नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डियाना सूज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम फ्रेंच सुसाइज को इंग्लिश सुसाइज में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 42 फ्रेंच को पेरिस पॉइंट बोलते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। 42 पेरिस पॉइंट को इंग्लिश सुसाइज में बदलना, किस प्रकार बदलेंगे ये देख लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट 42 पेरिस पॉइंट इंटू इंग्लिश सू साइज। देखिए 42 पेरिस पॉइंट हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंग्लिश सू साइज। देखिए 1 पेरिस पॉइंट इक्वल टू होता है 2/3 सेंटीमीटर। ओके, तो 42 पेरिस पॉइंट इन प्लेस ऑफ पेरिस पॉइंट वी पुट द वैल्यू 2/3। कैलकुलेट करें ये आएगा 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/2 इंच। 28 को 2.54 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा कैलकुलेट करने पर आएगा 11 पॉइंट कुछ आएगा, इसको हम 11 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 11 इंच इसकी वैल्यू हमने निकाली मेजरमेंट में। अब इसको हम साइज में बदल देंगे। देखिए इंग्लिश शू साइज सिस्टम में जो साइज है स्टार्ट होता है 4 इंच से स्टार्ट होता है, 4 इंच पर 0 साइज होता है। तो 11 माइनस 4 7 इंच। अब 7 इंच में देखना हमें कितने साइज होते हैं। देखिए 1 इंच इक्वल टू होता है 3 साइज इंग्लिश शू साइज सिस्टम में। देन 7 इंच को हटा के क्या लिखेंगे, 3, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप साइज में 21 साइज। 4 इंच पर 0 साइज होता है, उसके बाद 1 से लेकर 13 साइज तक साइज कंटिन्यूसली चलते हैं, 1, 2, 13 साइज इन स्टार्ट। जो शुरुआत में 1 से लेकर 13 साइज होते हैं ये आते हैं चिल्ड्रन में। देखिए अब ये 21 है वो 1 और 13 से बड़ा है, तो ये जो साइज है वो किसमें आएगा, एडल्ट में। तो इसमें से हम 13 माइनस करेंगे, 21 माइनस 13 कितने आए, 8। 21 माइनस 13 8 साइज एडल्ट। यदि ये जो वैल्यू आई है वह 13 से कम होती तब ये साइज चिल्ड्रन में माना जाता। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपके, वीडियो पसंद आए से लाइक करें। देखिए इसी प्रकार इंग्लिश शू साइज को हम पेरिस पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।